बेमौसम बारिश और उसके साथ ओले गिरने से किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निपटें। ये मुसीबत ऐसे समय में आई है जब किसानों की रबी फसल की कटाई शुरू होने वाली थी। बेमौसमी बरसात ने किसानों के चेहरे मुरझा दिए हैं। बारिश के साथ साथ आए आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को तबाह कर दिया। वहीं क्षेत्र पंचायत प्रमुख गोविंद दानू ने बताया कि यहां के अधिकांश लोगों की रोजी रोटी खेती और बागवानी पर निर्भर है। मौसम की मार और लॉकडाउन से किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा होने के आसार हो गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। विकासखंड कपकोट का अधिकांश क्षेत्र उच्च हिमालयी है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, लेकिन कल रात और आज सुबह हुई भारी ओलावृष्टि की वजह से यहाँ पर किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। खासतौर से फसल के साथ साथ उनके फल सब्जी फ्रूट सभी को बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन से वार्ता कर शीघ्र टीम वहां पर भेजने के लिए सर्वे के लिए भेजने के लिए कहा गया है, जिससे कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके नुकसान का। और इस नुकसान की भरपाई के लिए क्षेत्रीय माननीय विधायक श्री बलवंत सिंह मोरियाल जी से भी मांग की गई है कि शीघ्र से शीघ्र शासन प्रशासन से इसका मुआवजा दिलाया जाए। और खासतौर से इस देश विश्वव्यापी जब कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश में लॉकडाउन हुआ है, ऐसे समय पर काश्तकारों की एक तरह से कमर टूट गई समझ लीजिए, तो इस समय काश्तकारों के मनोबल के लिए उनको मुआवजा मिलना यथा समय पर बहुत जरूरी है, जिससे कि उनकी रोजी रोटी। बता दें कि जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानों में सुबह तेज धूप निकली थी, लेकिन दोपहर होने तक मौसम ने मिजाज बदला और सरयू घाट के गांव में तेज हवाओं के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसल सहित सब्जियों और फलों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार मौसम की मार से काश्तकारों को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। मार्च और अप्रैल के महीने में भी जमकर बारिश हो रही है। कई बार हुई ओलावृष्टि से फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।